वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपकी हेल्प करता है तो आप दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करें। आप जितना दूसरे की मदद करेंगे आपकी उतनी ही हेल्प होगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। व्हेन 125 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से हम इतना नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते, इट रिड्यूस टू इट, मतलब वो नंबर हमारा इतना नंबर इतना परसेंट रिड्यूस हो जाता है। व्हाट इज द 25% ऑफ दिस नंबर, यानी कि किसी कोई भी नंबर है, एनी नंबर, नंबर कितना होता है हमारा, नंबर टोटल नंबर हमारा कितना होता है, टोटल नंबर जो होगा मेरा 100% होगा, यस, उसमें से मुझे इतना परसेंट इसका रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो रिड्यूस हो गया हमारा, रिड्यूस हो कितना हो गया, 100 में से हमारा ये माइनस हो गया, तो बचा बच नंबर कितना बता, 62.5%। अब 62.5% बच्चों मुझे दिया है 125, ठीक है। 1% हमारा 125/6, 2.5। अब मुझे नंबर कितना चाहिए, 25%, वो शायद मल्टीप्लाई बाई 20, तो जब 25% हमें चाहिए, 125/6, 2.5 × 25, जब एक पॉइंट यहाँ आएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये हमारा 25 बार कटेगा, ऐसे इससे काटेंगे तो 5 बार कटेगा और ज़ीरो बच जाएगा, तो हमारा 25 जो परसेंट जो नंबर हमारा आएगा वो हमारा आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट बनता है या कोई भी दिक्कत होती है तो उस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर क्या करता है, फर्स्ट इंक्रीज ऑफ प्राइस 25% एंड देन 20%। अब वो कह रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना उसने किया, मतलब उसने दो बार प्राइस को इंक्रीज किया, लेकिन अगर टोटल चेक किया तो कितना किया। गलती से इसको ऐड मत कर देना, ऐड कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। तो मान लेते हैं किसी भी आर्टिकल का प्राइस कितना 100% होता है, ठीक है। लेट ए प्राइस ऑफ आर्टिकल 100%, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज कितना हुआ, फर्स्ट बार उसने क्या किया, कितना इंक्रीज हुआ, पहले उसने इसका 100 का 25% इंक्रीज किया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो, इन दोनों का ये 125%, ठीक है। देन फिर उसने क्या किया, इस 125 का फिर उसने क्या किया, 20% इंक्रीज किया, ठीक है। तो कैसा करेंगे, 125 + 20%, ठीक है। इसका करेंगे तो हम ये हमारा फाइनली आ जाएगा 150, ठीक है। अब चेक करें, मैंने अभी ये माना था 100 और निकला 150, तो टोटल इंक्रीज फाइनली टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल परसेंट ऑफ इंक्रीज कितना हमारा इंक्रीज हो गया, तो हमारा कितना होगा 50 इंक्रीज हुआ 100 पर, ठीक है, यानी 50%। यहाँ से आपको चेक भी कर सकते हैं, आप इसे चाहे एक्स मान के भी कर सकते हो, बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या क्या था। इन अ कंपनी देयर आर 75 स्किल्ड वर्कर, मतलब एक कंपनी है बच्चों, फैक्ट्री मान लो, कंपनी मान लो, उसमें 75 स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड द रिवेनिंग
और बच्चे हुए वो क्या आर अनस्किल्ड, ठीक है, 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर, मतलब यहाँ से दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो गई। यहाँ तक तो बोला कि 75 स्किल्ड है और जो रिमेन है वो अनस्किल्ड है, ठीक है, 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड 20% अनस्किल्ड वर्कर आर परमानेंट, मतलब जिसमें जो स्किल्ड वर्कर में 80% और 20% यानी 80% और 20% हमारे परमानेंट है, वे कभी हट नहीं सकते, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ टेम्परेली वर्कर 126 देन वाट इज टोटल वर्कर। तो देखो ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा अलग से करते हैं। तब हमें पता है कि टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे हमारे, हमारे 100% हो गया, ठीक है। अगर हमारे स्किल्ड वर्कर अगर मेरे स्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर 75% हैं तो अनस्किल्ड कितने हो जाएंगे, ट्वेंटी फाइव परसेंट। अब वो कह रहा है परमानेंट वर्कर, परमानेंट वर्कर कितने हो जाएंगे, परमानेंट वर्कर कितने हो जाएंगे, 80% मतलब समझ रहे इसका जो हमारा कितना है 80%, तो हम लगा लेते हैं। तो देखो ये हमारा 4 बार, ठीक है, ये हमारा 3 बार, ठीक है, ये हमारा 2 बार, 20 बार, ठीक है। तो स्किल्ड वर्क हमारे कितने हो जाएंगे 60%, ओके। अनस्किल्ड कितने हो जाएंगे, अनस्किल्ड 20%, तो अनस्किल्ड कितने थे 25 थे, सो ये 5% बात समझ में आ गई। एक बार फिर समझा देते, ये हमारे टोटल मेरे 100% थे बच्चों, ओके, टोटल हमारे 100% थे, 100% में हमारे 75 स्किल्ड हैं तो 25 अनस्किल्ड हो गए, ठीक है। उसमें से 75 में से 60% परमानेंट है और इसमें 20% परमानेंट अनस्किल्ड में से, यानी कि 60% परमानेंट है और ये हमारे परमानेंट है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग, अब जो हमारे हो गए, इफ द नंबर ऑफ टेम्परेली, अब टेम्परेली क्या हो जाए, टेम्परेली हमारी कितने बचेंगे, देखो टेम्परेली पहले निकालते हैं, टेम्परेली वर्कर कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना, यानी टोटल हमारे 100% होते हैं, माइनस कर देंगे 60% प्लस 5%, 100% 65%, यानी कि 35% हमारे, 35% हमारे टेम्परेली वर्कर हैं। अब वो जो कह रहा है जो टेम्परेली वर्कर हैं उनका नंबर हमें इतना दिया गया, तो देख लें नंबर हमें कितना दिया गया, इतना दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं हमारे, 100% होगी, तो 100 का जब पहले 1 का परसेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 100 का, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन इजी वे में आराम से समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब काटो, आपको कितने बार कटेगा,
फाइव से काटोगे 20 बार कटेगा, 7 बार कटेगा, 7 से कट 7 बार, ये 8 बार, ठीक है, यानी 18 मल्टीप्लाई 20 306। टोटल ऑफ वर्कर हमारे कितने होंगे, 360 वर्कर होंगे। कुछ नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन दे दिया था बस, ये हमारे 75 थे, 75 के हमारे जो परमानेंट है उसके 60, उसके 80% यानी 60% हमारे परमानेंट है, जो टेम्परेरी उसके 20% यानी 5% हमारे परमानेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेम्परेरी वर्कर निकालेंगे कितने परसेंट है, तो हमारे इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हमारे, तो 30% हमारे टेम्परेरी वर्कर निकाले, टेम्परेरी वर्कर 30% है, 30% दिया गया है, कितने हमारे 126, 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की इतनी हमारी 360 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन ईजी था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कराने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इसका जो आंसर की में जो आंसर दिया 165% दिया, हमें बताओ किस स्कूल में 165% पासिंग मार्क होता है, नहीं होता ना। हाँ 165 नंबर नंबर हो सकते हैं पास के लिए, ये तो मान सकते, मिनिमम नंबर 165 तो हो सकते हैं, लेकिन 165% कभी हो नहीं सकता। तो इसमें दो चीज़ें निकाल सकते, एक तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क, एक मिनिमम नंबर, मिनिमम पासिंग नंबर मार्क्स, ठीक है, दो चीज़ें आ सकती है। तो दोनों हम आपको निकाल के बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना, ठीक है। तो बच्चों के क्वेश्चन को पहले समझ ले, रवि 30% स्कोर करता है और 15 नंबर से उसे फेल हो जाता है, दीपक 40% लाता है और 35 मोर देन पासिंग मार्क, मतलब पासिंग मार्क से 35 नंबर ज़्यादा लाता है, ठीक है। तो दो कंडीशन देखो, हम भी बता दें, दो कंडीशन बनेगी, तो रवि रवि पास मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू दीपक दीपक पास मार्क्स। तो रवि के पासिंग मार्क क्या हो गए, 30%, तो वो लाया है 15 नंबर से लेस है, तो 15 नंबर मैंने अपनी साइड से दे दिए, ये पास मार्क हो गया। इक्वल टू दीपक 40% लाया है बच्चों और 30% ज़्यादा आ गए उसके, तो हम 35 नंबर हम कम कर ले रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस कर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का पासिंग मार्क हो गया, मतलब ये भी पासिंग मार्क हो गया, जो ये 40% लाया था और 30% 35 नंबर ज़्यादा लाया था वो माइनस कर दिए। अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 30% मेरा उस साइड जाएगा, यानी कि 15 प्लस 35 इक्वल टू 40% माइनस 10%, तो 50 इक्वल टू हमारा 10%, यानी कि जो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गए वो 5 मार्क्स आ गए, जो 1% है वो हमारा 5 मार्क्स के इक्वल टू है। अब कंडीशन पढ़ते हैं, अब मुझे क्या क्या चाहिए, अगर हमें मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क चाहिए, मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क, पहले तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मिनिमम परसेंटेज पास मार्क्स ये चाहिए। अगर मुझे ये चाहिए, 30% तो हैं, अगर जो 15 नंबर का परसेंटेज पता कर लें ये कितना परसेंट है, तो निकाल दें 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 3 का इसमें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3% इक्वल टू 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स की वैल्यू पता चली वो कितने 3%, तो मिनिमम पासिंग मार्क क्या हो जाएगा 30% और प्लस 3%, तो हमारा क्या है 33% उसे चाहिए। अगर ये पूछा मिनिमम पासिंग मार्क कितना होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर ये पूछा जाए,
तो हमारे क्या 33% की हमें वैल्यू चाहिए, तो 1% की वैल्यू हमें कितनी दी गई हमारी 5, ठीक है। तो 33 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, करा दिया। तो 33% इक्वल टू 165 मार्क्स, समझ गए। अगर मिनिमम पासिंग मार्क हमारा ये रहेगा, मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क हमारा ये रहेगा। आपसे क्या पूछा गया आप क्वेश्चन में देख लेना, ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें टू कैंडिडेट फाइट एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट इलेक्शन को फाइट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम 62% टोटल वोट एंड वॉन बाई 432, मतलब 62% उसे वोट मिलता है और ये 432 वोट से जीत जाता है जो दूसरा कैंडिडेट होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट करें टोटल वोट्स इक्वल टू 100%, ओके। जो टोटल वोट हैं वो 100% है। अब वन ऑफ देम गॉट होते जैसे 62%, ओके। अब एनदर को कितने बोलते हैं, ऑफ नेम गॉट कितने का हो जाते 38%, मतलब जब जीतने वाले कितने बोले इतने बोले। तो वन ऑफ देम बिन कितने 24% से जीत जाता है, ठीक है। अब 24% इक्वल टू बच्चों हमारे कितना दिया गया 432, यानी कि बच्चों 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 432/24। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मेरी 1800 आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे इसको काटेंगे, 4 से काटें 25, ये काटेगा 6 बार, इसे काटेंगे 72, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा इतना ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, और आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बच्चों कैसे करना है, वही सेम क्वेश्चन है। इन इलेक्शन 2%, ठीक है, 68 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब जो भी वोट पड़े होंगे उनमें से 68 वोट हमारे इनवैलिड हो गए। द विनिंग पर्सन 52%, तो हम मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे, ठीक है, टोटल नंबर जो जो हमारा वोटिंग हुई होगी, जो वोटिंग पुल्ड वोट जो लेट पुल्ड पुल्ड वैलिड पुल्ड वैलिड वोट हमारे कितने हो गए 100% हो गए, ठीक है। अब इन्हीं पे हमारा क्या, हमारा जो इलेक्शन हुआ गा, तो वन ऑफ देम गॉट कितने उसे मिले 52%, तो अनदर ऑफ देम गॉट कितने मिलेंगे उसे 48। वन ऑफ
देम विन 4%, यानी 4% से विन हो गया वन ऑफ देम, ठीक है। तो 4% जो विन हुआ है वो कितने से हुआ भाई, वो हमारा 98 वोट से विन हुआ, ये 98, ओके। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए टोटल वोट, पुल्ड वोट, तो 100% बराबर हो जाएगा 98 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमारा इनका मल्टीप्लाई करो तो 98 मल्टीप्लाई 25 तो हमारा ये 200, ठीक है, 200 यानी कि 20 कैरी हो जाएंगी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 245, ठीक है, 245। अब पुल्ड वोट आ जाएंगे हमारे 2450, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब बताओ ये पुल्ड मतलब ये वैलिड पुल्ड वोट है, टोटल, ठीक है, टोटल ध्यान रखा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, तो जो भी आया है जो अनवैलिड कर दिए गए थे वो हम 68 एड कर देंगे, तो 2, 4 ये हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे 18, ठीक है, ये हमारे 2518 वोट्स, बात समझ में। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि हम जो मानेंगे वो किसको वैलिड वोट को 100% मान लेंगे, उसी पे जो इलेक्शन होगा फाइनली, जो हमारे 100% जो कितने आए, जो हमने वोट पुल्ड किए वैलिड वोट आ गए, हमारा जो 89 जो वैलिड हो गया था, नंबर ऑफ टोटल वोट पूछे, ये तो नहीं पूछे वैलिड अनवैलिड तो नहीं पूछे, उसने टोटल पूछे, तो टोटल हम इसको 68 ऐड कर देंगे तभी हमारा ये आंसर आएगा। बच्चे यहाँ अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। तो आई होप चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अगर कोई भी डाउट बनता है तो हम कमेंट में लिख देना, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, ऐसे क्लासेस चलते रहें, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।